अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों आज की वीडियो पार्ट टू है उन डिवाइसेस से रिलेटेड जो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, और अगर आप एक गेम लवर हैं तो आपको उन डिवाइसेस को जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल भी गेमिंग के लिए बाय नहीं करना चाहिए, आपको एक अच्छा सा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। अब पार्ट वन मैंने रिसेंटली बनाया था, इसी टॉपिक के ऊपर बनाया था, गेमिंग के लिए जो डिवाइसेस बेस्ट नहीं है वो मैंने बताई थी, बिकॉज डिवाइसेस थोड़ी ज़्यादा थी। वीडियो को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया और पहले जो पार्ट में मैंने क्राइटेरिया रखा था कि अगर आप दोस्त 1000 लाइक्स को कंप्लीट करते हैं तो मैं अगला पार्ट बनाऊंगा, तो आज वो वीडियो 1100 लाइक्स के ऊपर चल रही है। आप दोस्तों ने काफी ज्यादा प्यार दिखाया तो पार्ट टू तो फिर मुझे उसका बनाना ही था। तो अगर आप एक गेम लवर हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, मैं वो सारी डिवाइसेस कवर कर दूंगा जो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, ताकि आप कोई गलत डिवाइस को बाय ना कर बैठें और अपने पैसे को वेस्ट ना कर बैठें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आए तो #बबलूलाहौरी लगाइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, यहां पे हर एक को रिप्लाई किया जाता है। और बाकी आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक्स। हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाइएगा, लाइक्स टारगेट को पूरा कीजिएगा। और मेरा जो एक दूसरा चैनल है कुकिंग से रिलेटेड लाहौरी जायका वन, मजे मजे की क्विक रेसिपीज के लिए उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों लिस्ट को स्टार्ट करते हैं यहां पे, और मैं वीडियो का जो राउंडडाउन है वो ब्रांड वाइज लेके चलूंगा कि आपको फलां ब्रांड की ये जो डिवाइसेस हैं इनको गेमिंग के लिए बाय नहीं करना। तो सबसे पहले यहां पे डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी मार्केट्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट फेमस ब्रांड है सैमसंग ब्रांड के, सैमसंग की वो डिवाइसेस जो आपको गेमिंग के लिए बाय नहीं करनी अगर स्पेशली आप गेमर हैं। तो यहां पे जो सैमसंग की प्रीवियस जे सीरीज थी उसके अंदर सैमसंग अपने यूजर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता था। आज की डेट में जे सीरीज ऑलमोस्ट क्लोज की जा चुकी है सैमसंग की तरफ से, लेकिन अगर आपको कहीं से भी वो डिवाइस यूज में मिले या न्यू में किसी के पास पुराने स्टॉक में अवेलेबल हो तो फॉर योर रेफरेंस आपको बताता चलूं आपको वो डिवाइसेस गेमिंग के लिए बाय नहीं करनी। पहली डिवाइस है यहां पे गैलेक्सी J4 Plus। J4 Plus 23,500, इसके अंदर जो चिपसेट है वो है स्नैपड्रैगन 425 की, क्वाड कोर चिपसेट है। इतनी प्राइस में अब कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका है, इस डिवाइस को आपको गेमिंग के लिए कंसीडर नहीं करना, चाहे आपको न्यू में मिले या ओल्ड में मिले इस डिवाइस को आपको स्किप करना है। अगली डिवाइस सैमसंग की J6 Plus, 31,000 प्राइस जब ये क्लोज हुआ था रिसेंटली, अगर कहीं से अवेलेबल मिलता है तो इसके अंदर जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 425 की क्वाड कोर चिपसेट है। 31,000 रुपये की प्राइस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आज की डेट के अंदर, गेमिंग के लिए इस डिवाइस को स्किप करना है आपको। अगली जो डिवाइस है आपको बाय नहीं करनी गेमिंग के लिए जे सीरीज की J8 सैमसंग की डिवाइस है, 41,000 की प्राइस रेंज और स्नैपड्रैगन 450 की चिपसेट, बहुत ज्यादा अंडर पावर चिपसेट है प्राइस के हिसाब से। इस डिवाइस को भी आपको गेमिंग के लिए कंसिडर नहीं करना, चाहे आपको न्यू मिले, यूज में मिले, कहीं से भी मिले, इस डिवाइस को स्किप करें। अगली जो डिवाइस आपको बाय नहीं करनी वो ए सीरीज की है, जो पुरानी वाली ए सीरीज है A6 और A6 Plus। 50,000 पे प्राइस रेंज और चिपसेट स्नैपड्रैगन 450, अब 50,000 रुपए की रेंज के अंदर दुनिया यहां पे चांद पे पहुंच गया कंपटीशन, ये यहां पे स्नैपड्रैगन 450 प्रोवाइड करते हैं, ये गेमिंग के लिए डिवाइस आइडियल नहीं है। अगर आपको कहीं से भी मिले तो इस डिवाइस को भी स्किप करें, मजा नहीं आएगा आपको गेमिंग का। और अब डिस्कस करेंगे यहां पे सैमसंग की वो डिवाइस जो लेटेस्ट है इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर, जो ए सीरीज है सैमसंग की, उसकी वो डिवाइस है पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर गैलेक्सी A20। इसकी प्राइस है 30,000 पे पाकिस्तानी मार्केट्स में। सैमसंग के जो फैंस हैं, सैमसंग लवर्स हैं, जिनको एक अच्छी रीसेल चाहिए, सैमसंग की ब्रांडिंग चाहिए, उनके लिए एक अच्छी डिवाइस है। 28,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, प्राइस भी उनके लिए ठीक है अगर वो ओकेजनल गेमिंग करते हैं। लेकिन अगर आप एक हैवी गेमर हैं, एक्सट्रीम लेवल के ऊपर गेमिंग को इन्जॉय करना चाहते हैं, कोई सैमसंग की ऐसी डिवाइस चाहिए, तो ये डिवाइस आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरेगी। इसके अंदर एक्जीनोस की 7884 ओक्टा कोर चिपसेट है, सेम वही चिपसेट है जो गैलेक्सी A10 के अंदर आपको प्रोवाइड की गई है, लेकिन उसके अंदर 2GB रैम का डिसएडवांटेज है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठता। यहाँ पे 3/32 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल गेमिंग में PUBG को देखें तो ये डिवाइस बाय डिफॉल्ट PUBG को मीडियम सेटिंग के ऊपर आपको स्टार्ट करवाएगी, जिसे आप हाई ग्राफिक्स के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन चिपसेट इतनी पावरफुल नहीं है कि हाई ग्राफिक्स के ऊपर आपको एक स्मूथ जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करे। तो अगर आप एक एक्सट्रीम गेमर हैं तो ये डिवाइस एक ऐसी है आपको स्किप कर देनी चाहिए आज की डेट के अंदर। एंतुतु स्कोर फॉर योर रेफरेंस, इस
डिवाइस का 90,000 प्लस के आसपास कहीं पे आता है, कोई 91,000 या 92,000 के आसपास। तो एक्सट्रीम गेमर्स के लिए ये डिवाइस नॉट रिकमेंडेड है। बाकी अगर आप एक सैमसंग के फैन हैं, सैमसंग की डिवाइस चाहिए, तो 28,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर ये एक अच्छी डिवाइस है सैमसंग फैन के लिए। आप इस डिवाइस को कंसिडर भी कर सकते हैं। और अब जरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे वावे की वो डिवाइसेस जो आपको गेमिंग के लिए कंसिडर नहीं करनी आज की डेट के अंदर। तो वो डिवाइस है वावे Y7 प्राइम 2019। प्राइस है 27,500, फाइनली आपको मिलेगी 25,500 के अंदर। 2018 के अंदर इसी डिवाइस का जो पिछला वेरिएंट था बहुत ज़्यादा बिजनेस जनरेट करके दिया, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल दी वावे को इस डिवाइस ने पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर। अब ये 2019 वाला जो वेरिएंट है, ये स्पेशली मैं गेम लवर्स के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप एक एक्सट्रीम गेमर हैं, आपको एक हाई लेवल की गेमिंग चाहिए 25 से 26 की रेंज के अंदर, जैसे इस कंपटीशन में दूसरे ब्रांड प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरेगा। मैं चीज़ों को मिक्सअप होने से क्लियर करता चलूं कि अगर आप एक वावे के फैन हैं, वावे की डिवाइस को बाय करना चाहते हैं, तो ये 32 वाला वेरिएंट 27,000 की प्राइस रेंज के अनुसार फाइनल प्राइस में आपको 25,500 के आसपास कहीं पर मिलेगा। आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम गेमिंग करते हैं, ओकेजनल गेमिंग करते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेशली गेमिंग के लिए इस डिवाइस को बाय करना है, तो स्नैपड्रैगन 450 इस डिवाइस के अंदर एक अंडर पावर चिपसेट है, 2017 के अंदर लॉन्च की गई थी क्वार्टर 3 के अंदर, आज की डेट में पुरानी चिपसेट है, मैक्सिमम वर्थ करती है 20,000 की प्राइस रेंज के अंदर कहीं पे। 27,000 के अंदर इतनी आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगी। तो इस डिवाइस को आपको स्किप करना है गेमिंग के लिए। एंड फॉर योर रेफरेंस, इस डिवाइस का जो एंतुतु बेंचमार्क है वो है 71,000 के आसपास। और अगर डेफिनेटली आप गेम लवर हैं तो पबजी तो आपको खेलनी होगी। पबजी इस डिवाइस के ऊपर लो सेटिंग के ऊपर स्टार्ट होगी, जिसे आप मैक्सिमम मीडियम सेटिंग के ऊपर लेके जा सकते हैं ग्राफिक सेटिंग के ऊपर, लेकिन स्मूथ गेम प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गेम लवर्स इस डिवाइस से बच के रहें, इस डिवाइस को बाय नहीं करना। अदरवाइज अगर आप एक वावे के फैन हैं, गेमिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी, आपको एक वावे की अच्छी सी डिवाइस चाहिए और एक अच्छी रीसेल चाहिए, तो फिर आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। इसका 3GB 64GB वाला वेरिएंट भी है कोई 30-29,000 रुपये के ऊपर, जो आपको 27,000 में मिल जाएगा। आप उस डिवाइस को भी फिर कंसीडर कर सकते हैं। एंड गेम लवर्स, बच के रहिए इस डिवाइस से। और उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पे ऑनर ब्रांड को, जो वावे का ही सब ब्रांड है। ऑनर की वो डिवाइस आपको जो गेमिंग के लिए बाय नहीं करनी, वो है ऑनर 8A। ये डिवाइस बहुत ज़्यादा ताज़ी है, जैसे अभी नरमा नरम डिवाइस है, मार्केट के अंदर आ चुकी है या आनी है, जो भी है। प्राइस कन्फर्म हो चुकी है इस डिवाइस की, 23,500 इस डिवाइस की प्राइस है। अब इतनी प्राइस के अंदर जो ऑनर ने ब्लंडर किया है, मार्केट के कंपटीशन को ही नहीं देखा। यहाँ पे बैक साइड पे कैमरास को देखें तो दूसरे ब्रांड्स डबल कैमरा प्लेसमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे सिंगल कैमरा प्रोवाइड किया गया है। कुछ भी मार्केट के जो कंपटीशन है उसे एनालिसिस नहीं किया जाता उसका, कि क्या चीज़ जो स्पेसिफिकेशन देनी है। अगर यहाँ पे स्पेशली गेमिंग को देखें तो हीलियो P35 की चिपसेट है 23,500, जहाँ पे रियलमी 3 जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, नोकिया 5.1 प्लस, नोकिया 6.1 प्लस या फिर ऑनर 10 लाइट जैसी डिवाइसेज हैं, उसको कम्पीट कैसे कर पाएगी ये डिवाइस। इस डिवाइस के ऊपर आपने पैसे को वेस्ट नहीं करना, चाहे 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, जब भी अवेलेबल मिले, इस डिवाइस से आपने बच के रहना है। गेमिंग के लिए भी बाय नहीं करना और ओवरऑल भी एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है, इस डिवाइस को आपको स्किप करना है। और अब जरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओप्पो ब्रांड की वो डिवाइसेज जो आपको गेमिंग के लिए बाय नहीं करनी। तो जो डिवाइस बाय नहीं करनी वो है ओप्पो A1K। ओप्पो A1K की प्राइस है 19,000 रुपये पाकिस्तानी मार्केट्स में, फाइनली आपको 18,000 रुपये के ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन इस डिवाइस के अंदर 2/32 का कम्बिनेशन है, 2GB रैम, 32GB स्टोरेज और साथ में जो हीलियो P22 की चिपसेट है, उसकी परफॉर्मेंस को 2GB रैम और एक स्लो स्टोरेज जो है EMMC वाली वो रिस्ट्रिक्ट करती है। चिपसेट आपको एक अच्छी सी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती। और अगर पबजी गेम को देखें तो लो सेटिंग के ऊपर आप पबजी को रन कर सकते हैं, मीडियम के ऊपर भी अवेलेबल है ग्राफिक्स में, लेकिन अगर आप मीडियम के ऊपर जाके प्ले करते हैं तो प्लेएबल नहीं है, एक स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता, आपको बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। तो ओप्पो फैन, ओप्पो की डिवाइस में से जिसे स्किप करना है ओप्पो A1K, ना इस डिवाइस के कैमराज अच्छे हैं, ना इस डिवाइस की गेमिंग अच्छी है, तो इस डिवाइस को आपको आज की डेट में स्किप कर देना चाहिए। और अब यहां पे डिस्कस करेंगे वीवो की वो डिवाइस जो आपको गेमिंग के लिए बाय नहीं करनी। पहली डिवाइस वीवो Y91C, ये एक बजट डिवाइस है, 19,000 इसकी प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट्स में, 2/32 का कम्बिनेशन है और साथ में वही ओप्पो A1K वाली चिपसेट है, हीलियो P22 की एक ओक्टा कोर चिपसेट है, जिसका एंतुतु बेंचमार्क आता है कोई 75,000 से 76,000 के अराउंड। अगर गेमिंग के लिए स्पेशल देखें तो मज़ा नहीं आने वाला। यहाँ पे जो पबजी जैसी गेम, उसी का रेफरेंस दूंगा, यार आप लोग खेलते ही पबजी हैं ज़्यादा, तो पबजी गेम लो सेटिंग के ऊपर चलेगी, मीडियम सेटिंग के ऊपर लैग आपको देगी। और एसफॉल्ट 9 जैसी गेम की अगर बात करें तो इस
डिवाइस के ऊपर वो प्लेएबल ही नहीं है। आप रन करेंगे, क्रैश कर जाएगी, बंद हो जाएगी, आप होम स्क्रीन के ऊपर वापस आ जाएंगे। तो गेमिंग के लिए एक आइडियल डिवाइस नहीं है। कैमराज भी इतने मज़े के नहीं है इस डिवाइस के, लेकिन समहाउ अगर आप एक वीवो के फ़ैन हैं तो फिर आप 18,000 रुपये की प्राइसिंग थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करके इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपका शौक इतना गेमिंग का नहीं है। लेकिन गेमिंग के लिए इस डिवाइस को आपको स्किप करना पड़ेगा। वीवो की अगली डिवाइस जो आपको बाय नहीं करनी गेमिंग के लिए स्पेशली, वो है वीवो की Y95 2018 में लॉन्च की गई थी। एक पुरानी डिवाइस है लेकिन आजकल की डेट में भी कहीं कहीं से आपको मार्केट में अवेलेबल मिलती है। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 439 की जो 12 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है वो आपको 32,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर वो वैल्यू फॉर मनी किस्म की परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगी जो आप इससे एक्सपेक्ट करेंगे। तो इतनी प्राइस रेंज के अंदर अगर कंपटीशन को देखें तो रेडमी नोट 7 अवेलेबल है, रेडमी नोट 6 प्रो अवेलेबल है, यहाँ पे रियलमी 3 प्रो आ जाता है थोड़े से और पैसे ऐड करके, Y6 प्राइम 2019 आ जाता है इस डिवाइस के प्राइस के कंपटीशन के अंदर। तो ऐसे में ये डिवाइस एक अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, परफॉर्मेंस के लिए भी नॉट रिकमेंडेड है, अदरवाइज भी आप इस डिवाइस को ना ही बाय करें, इसकी जगह आप दूसरी डिवाइस को बाय करें तो आपको बेटर वैल्यू देखने को मिलेगी। पबजी गेम को ही अगर यहाँ पे डिस्कस कर लें तो वो बाय डिफॉल्ट लो ग्राफिक्स के ऊपर यहाँ पे उठाता है सिस्टम, और उसके बाद आप मैक्सिमम मीडियम सेटिंग के ऊपर जा सकते हैं लेकिन लैग आपको देखने को मिलेगा। तो 32,000 पे इन्वेस्ट करके मजा ही ना आए, परफॉर्मेंस का वैल्यू ही ना मिले, तो फिर क्या फायदा, इस डिवाइस को भी आपको स्किप कर देना चाहिए। और अब आते हैं यहाँ पे नोकिया ब्रांड की तरफ के नोकिया की वो डिवाइसेस गेमिंग के लिए जो आइडियल नहीं है आपको बाय नहीं करनी, वो है नोकिया 2.2। प्राइस 18,700 पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर, कम्बिनेशन 3GB 32GB, और परफॉर्मेंस यहाँ पे देखें तो हीलियो A22 की एक क्वाडकोर चिपसेट, टू मच यहाँ पे अंडर पावर चिपसेट है, इतनी प्राइस रेंज के अंदर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। नोकिया का प्रॉब्लम यह है कि नोकिया पहले बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर जाता है, फिर मुंह की खानी पड़ती है तो बहुत बहुत लंबे जंप लेता है, प्राइस कट लगाता है, फिर भी यहाँ पे उस टाइम के ऊपर यूज़र किसी और डिवाइस को बाय कर चुके होते हैं। अगर यहाँ पे देखें आप हीलियो A22 के एक अंडर पावर चिपसेट है, एंड्रॉयड 1 दे दिया यहाँ पे, ठीक है अपडेट्स आएंगे लेकिन जब परफॉर्मेंस ही नहीं मिलने तो फिर एंड्रॉयड 1 को क्या करना है, 3 32GB के कम्बिनेशन है उसे क्या करना है। यहाँ पे कैमराज भी इस डिवाइस के अच्छे नहीं है। नोकिया 2.2 गेमिंग के लिए ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है, इस डिवाइस को तो आपको वैसे स्किप कर देना चाहिए। अगली जो नोकिया की डिवाइस आपको बाय नहीं करनी वो है यहाँ पे नोकिया 3.2। प्राइस 18,300 पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर, कम्बिनेशन 2GB 16GB, उसके अलावा परफॉर्मेंस को देखें तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 429 की एक क्वाडकोर चिपसेट, अब इतनी प्राइस के अंदर एक फिर अगेन क्वाडकोर चिपसेट। अब क्वाडकोर चिपसेट जो है इसके लिए जो प्राइसिंग स्टैंडर्ड है वो तकरीबन कोई 13-14,000 रुपये की रेंज के अंदर, इतनी रेंज 18-19 की रेंज के अंदर या 17,000 रुपये की रेंज के अंदर एटलीस्ट आपको ओक्टा कोर चिपसेट मिलनी चाहिए। तो ये जो स्नैपड्रैगन 429 है एक अंडर पावर चिपसेट है, स्पेशली आपको गेमिंग में भी मज़ा नहीं देगी, ओवरऑल भी इतनी कोई खास डिवाइस नहीं है नोकिया 3.2। इस कंपटीशन के अंदर आप थोड़े से और पैसे मिला के नोकिया 5.1 प्लस की तरफ जा सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिवाइस है हेलियो P60 के साथ, या रियलमी जो C2 है 3/32 वाला एटलीस्ट आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो 3.2 है नोकिया इसको भी आपको स्किप कर देना चाहिए। और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे इन्फिनिक्स की वो डिवाइसेस जो गेमिंग के लिए आपको बाय नहीं करनी। तो एक हॉट डिवाइस है इन्फिनिक्स की, इन्फिनिक्स हॉट 7 प्रो। अब ये डिवाइस नाम की हॉट है, अदरवाइज ये ठंडी डिवाइस है, आपने परेशान नहीं होना इतना। 20,000 रुपये की प्राइस रेंज के अंदर 4GB 64GB का कंबिनेशन देके एक अच्छा टैक्टिक यूज़ किया है इन्फिनिक्स ने कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, लेकिन जो मेन ड्रॉबैक है इस डिवाइस की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आपको मीडिया टेक की 6757 वाली चिपसेट है, अगर यहाँ पे कोड नेम की बात करें तो हीलियो P25 की चिपसेट है या 16 नैनोमीटर वाली चिपसेट है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं देगी। अगर GPU को देखें तो माली T880 की यहाँ पे GPU है, मज़ा नहीं आएगा यार आपको गेमिंग का। अब थोड़े से पैसे और मिला के आप इन्फिनिक्स का ही S4 बाय कर सकते हैं जो कोई आपको 21,000-21,500 रुपये की रेंज के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो डिवाइस है पुराने स्टाइल का डिस्प्ले, बड़ी सी नॉच लगा दिया है इसके अंदर और कोई इतने मजेदार फीचर नहीं डाले, तो अपनी डिवाइसेस के साथ ही कंपीट नहीं कर पा रहा मार्केट को। तो इन्फिनिक्स हॉट 7 प्रो आज की डेट में अगर आप एक 4/64 की हाइप के अंदर बाय करने वाले थे तो सुन ले, ये डिवाइस गेमिंग के लिए इतनी आइडियल नहीं है। अगर पबजी को देखें तो ये डिवाइस सिर्फ लो सेटिंग के ऊपर पबजी को रन कर सकती है, अगर आप मीडियम सेटिंग के ऊपर जाएंगे, जोर लगवाएंगे डिवाइस का तो डिवाइस लैग करेगी, हीटिंग करेगी और ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्फिनिक्स हॉट 7 प्रो
गेमिंग के लिए आपको आज की डेट में बाय नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल वो डिवाइसेस जो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है, और अगर आप एक गेम लवर हैं तो ये डिवाइसेस जो मैंने पार्ट वन में आपको बताई और पार्ट टू जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई, इन डिवाइसेस से आपको बच के रहना है, आपको गेमिंग का मजा नहीं आएगा। बाकी अगर कोई ऐसी डिवाइस है जिसे मैंने गलत अपनी लिस्ट में रखा है या आप मुझे कोई डिवाइस बताना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे इस बारे में जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। वीडियो कहीं पर भी हेल्पफुल रही हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।